हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपको मेरे डिवाइन मास्टरी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चिरंजीव और आज हम सीखने वाले हैं कि फ्लूट पे धड़क जो मूवी है उसका टाइटल ट्रैक कैसे बजाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं एक सी स्केल बांसुरी यूज़ कर रहा हूँ, सी मीडियम साइज़, जो कि बिगिनर बांसुरी होता है। और ओरिजिनल सॉन्ग जो है वो जी स्केल में कंपोज है, तो इसके लिए मैं सी स्केल यूज़ कर रहा हूँ। और मैं जैसे कि पा को सा मान के हम लोग बजा सकते हैं, उसके हिसाब से बजा रहा हूँ। और बिगिनर्स के लिए मैं ये बात बता दूं कि ये चीज़, ये जो गाना है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें बहुत सारे, मतलब बेसिकली अगर सी स्केल में बजा रहे हैं तो तार सप्तक के नोट्स बहुत यूज़ हो रहे हैं, और अगर हम फुल ऑक्टेव, अगर फुल सॉन्ग कवर करें तो तार सप्तक के नोट्स पूरा यूज़ हो रहे हैं, और कोमल स्वर यूज़ हो रहे हैं बहुत सारे। तो जैसे कि नी कोमल यूज़ हो रहा है, गा कोमल यूज़ हो रहा है, मा शुद्ध मा यूज़ हो रहा है, तीव्र मा भी यूज़ हो रहा है। तो जैसे कि आप कंफर्टेबल होना चाहिए पूरा कंप्लीट तार सप्तक में, और कोमल स्वर में भी, मतलब कोमल स्वर तार सप्तक में। जैसे कि तो ये पूरा मतलब मक्खन जैसा आना चाहिए पूरा, मतलब इजीली आप जैसे कि ब्रेथ वो कंट्रोल कर पाए। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट फिर भी मैं जो सीख रहा है या थोड़ा सीख चुका है उसके लिए मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो अगर स्टार्ट करें गाना जो है तो कुछ इस प्रकार स्टार्ट होता है। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं दे रहा। तो ये कैसे बजाएंगे? पानी धनी धनी नी, यहाँ पे कोमल नी होगा जो हाफ हम लोग थोड़ा सा ही खोलते हैं, 20% ओपन होगा। पानी धनी धनी नी कोमल नी, थोड़ा उसको खींचेगा। मरहमी सा चांद है तू, धानी धनी धा पा मा शुद्ध मा। यहाँ पे भी कोमल नी, नी कोमल यूज हो रहा है। पहले मैं बता दूं आपको कि नोट्स क्या क्या यूज हो रहे हैं। जैसे कि शुद्ध नी भी यूज हुआ है इस सॉन्ग में, कोमल नी भी यूज हुआ है, तो आपको वो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं बताते रहूंगा कि कहाँ पे कोमल नी कहाँ पे शुद्ध नी। तो यहाँ पे जैसे पा नी धनी धा पा, धानी धनी धा पा मा, ठीक है। उसके बाद दिल जला सा मा धा पद पा मा, मा पा मा धा पद पा धा मा, शुद्ध मा, यहाँ पे भी शुद्ध मा, जैसे कि थोड़ा सा ही ओपन होता है जिसमें मा धा धा पद पद। इसमें कैसे बजाएंगे? धानी नी धा पद पा धा पा मा, मा तीव्र मा, यहां पे तीव्र मा हो जाएगा। जैसे कि दिल जला सा मैं अंधेरा, जो हो रहा है वो नोट वो तीव्र मा लगेगा। धानी नी धा, यहाँ पे फिर भी कोमल नी, धानी नी धा पद पा धा पा मा। अगर आप स्लो में बजाएंगे, एकदम स्लो स्लो से ही बजाइएगा, एक एक स्वर को आप निकाल निकाल के उसको डिकोड करके बजाइएगा। मैं स्क्रीन में आपको वो नोटेशंस भी दे दूंगा वो लिरिक्स के साथ, जैसे मैं हमेशा ही करता हूँ। तो कोमल नी धानी नी धा पद पा धा पा मा, ठीक है। फिर वही स्वर यूज हो रहा है, यहां पे भी कोमल नी शुद्ध मा, जहां पे मैं बोल रहा हूं वहां पे ही तीव्र मा और वो सब कोमल स्वर यूज करना है।
ठीक है, यहाँ पे रुक गया, दो बार वो स्वर यूज होंगे, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट आता है, तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की, तो ये स्वर थोड़ा क्रिटिकल है, तो ये कैसे बजेगा, इसमें पूरा ही तार सब तक का नोट से यूज है। तो फिर से मैं बजाता हूं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये एक साथ ही एक सांस में बजाना है, तो आपको तो कैसे बजाएंगे, पा पा मा गा गा, यहां पे गा जो होगा वो कोमल गा होगा, और ऊपर वाले मतलब तार सप्तक वाले, पा मा गा पा शुद्ध मा कोमल गा पा मा गा कोमल गा रे गा रे कोमल गा पा मा गा, जब मैं गा बोल रहा हूं तब कोमल गा, मैं स्क्रीन पे वही नोटेशंस दे दूंगा। तो जैसे कि पा मा गा रे रे गा सर सा धामा धामा, फिर मतलब मध्य सप्तक के माँ में आ जाएंगे, तो पा मा गा रे पा मा गा रे गा सर सा धामा शुद्ध मा, उसके बाद फिर माँ से मतलब मध्य सप्तक के माँ से जहां जहां पे एंड हुआ है, मतलब माँ में एंड हुआ, माँ से फिर माँ माँ से ऊपर वाले तार सप्तक के कोमल गा में जाना है, जैसे कि यहां पे एंड हुआ, तो ये चीज थोड़ा डिफिकल्ट है पहले से ही मैं बता रहा हूं, तो फिर से मैं बताऊंगा आपको, पा मा गा कोमल गा पा मा गा रे गा सर सा धा मा मा गा रे मा गा रे, गा मतलब कोमल गा, ऊपर वाले तार सप्तक का कोमल गा, और मध्य सप्तक मा से शुरू होगा, तो मा गा रे सा मा गा रे सा रे मा गा रे सा रे मा गा रे सा रे नी कोमल नी पा गा गा, मतलब मध्य सप्तक के कोमल गा में एंड होगा, जैसे कि तो ठीक है, आप मुझे लगता है आप समझ रहे हैं, अगर कोई भी कुछ भी क्वेश्चंस हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो मैं वही चीज बता रहा हूं, पा मा गा रे गा सर सा धा मा मा गा रे सा रे नी कोमल नी पा गा कोमल गा, थोड़ा ट्रिकी है, आप खुद देख पा रहे हैं वो कितना कंफ्यूजिंग है, और थोड़ा भी इधर उधर होने से वो कोमल स्वर की जगह अगर शुद्ध स्वर लग गया तो गड़बड़ी हो जाएगा पूरा गाने का। माँ कोमल गा रे सारे नी पगा कोमल गा, फिर कोमल गा से शुरू, कोमल गा
गा सा ऊपर वाला तार सप्तक का सा, गा सा नी नी सा नी। पधा नी धपा नी धपदा। तो मुझे लगता है आप समझ रहे हैं, मैं फिर से बजा रहा हूं वही चीज। थोड़ा वाइब्रेटो का भी यूज करेंगे उसमें, वो बहुत ही अच्छा फीलिंग आता है। जैसे कि कोई झड़प है ना, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट हो रहा था, आप पॉज कर करके आप स्क्रीन में वो जो स्वर है उसको आप देख के बजा सकते हैं। उसके बाद जो आता है, जो मेरी मंजिलों को जाते हैं, इसमें भी तार सप्तक के नोट्स यूज हुए हैं। तो ये वाला कैसे बजाएंगे? पाधानी पाधानी कोमली, पाधानी सानी सानी सा नी सा रे गे रे, पाधानी सानी सानी सा निसर्ग रे रे। गा भी कोमल नी भी कोमल, पधा नी कोमल नी सनी 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 सा रे गे रे रे गे रे। गा भी वहां पे कोमल। फिर तेरे नाम की कोई धड़क है ना, ऊपर वाले सब तार सप्तक में ही बज रहे हैं। सो सारे गारे सब सारे गारे सारे सा नी धनी धा कोमल नी धनी धा, सारे गा कोमल गारे सारे सा नी धनी धा। पाधा पाधा सा नी धा पध पा धा प मा तीव्र मा, यहाँ पे तीव्र मा आ गया। जो मेरी मंजिलों को जाते हैं, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, ये तीव्र मा है। फिर से वही फ्रेज यूज हो रहा है। पदमा पदनी सानी 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 सा रे गे रे, सानी धा सानी गा रे सानी सानी धा, पधा सानी धा पा में एंड एंड होगा पा में। थोड़ा मैं विब्राटो भी दे रहा हूं। पाधा सानी धा पद पा एंड होगा थोड़ा विब्राटो के साथ। हो गया, ये हो गया आपका मुखड़ा पार्ट। उसके बाद जो अंतरा आता है उसमें वो फीमेल वॉइस यूज हुआ है, जिसमें कि शुद्ध नी भी यूज हुआ है, ठीक है। तो आप मैं उसको बताता हूं कैसे यूज करना है, कैसे बजाना है बेसिकली। तो उसमें कैसा कि को अरे नांदनी जोड़ा ओढ़ के बाबुल की गली जाओ छोड़ के, तेरे
तेरे ही नहीं। तो ये जो पार्ट है ये कैसे बजाएंगे? तो ये बेसिकली एक रे से शुरू होता है, शुद्ध रे से ही, और वो एकदम धीमे से आ रहा है और रे सनी सनी निधा, रे सन सनी निधा, सानी। तो बेसिकली यहां पे शुद्ध नहीं आ जा रहा है। तो जैसे कि देखिए शुद्ध नहीं, रे सा सा नी नी धा, रे सा सा नी नी धा, सा नी धनी धा पा, रे सा सा नी नी धा, सा नी धनी धा पा। ठीक है, मैं स्लो से ही बजा रहा हूं, दो बार बजा, उसके बाद पाधानी यहां पे शुद्ध नहीं यूज होगा, बाबल की गली पाधानी साधा सा। तो यहां पे फिर कोमल नहीं आ जा रहा है। तो आप मार कीजिए, माइन्यूटली मार कीजिए, कहां पे कोमल नहीं कहां पे शुद्ध नहीं यूज हो रहा है। बाबुल की गली पधानी साधा सा, साधा सा, साधा सा, सदा सा धा, सारे सा नी कोमली धनी धा पा, कोमली धनी धा पा। मैं थोड़ा पास आके दिखा रहा हूं आपको, धा कोमली पधानी साधा सा, धा सा। बेसिकली धा जब हो रहा है तब सा से थोड़ा मीन हो रहा है, धा सा धा सर सानी, सर सा सनी धनी धा पा, नी यहां पे कोमल नहीं आ गया। उसके बाद फिर से वही चीज रिपीट होगा, तेरे ही लिए सावन जोड़ के। नी में रुकेगा, मतलब वो मिल जा रहा है। साधा साधा सर सा नी धा नी धा पा, नी धा पा, धा नी धा पा, धा नी धा पा, धा नी धा पा, धा नी धा पा।
ठीक है, ये 2 बार बजेगा, उसके बाद धानी धपा धानी धपा धानी धानी निशा। ठीक है, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है। धानी धप धानी नि सा सारे घरे सारे रे रे सानी धनी धपा रे सानी धनी धपा। सारे कोमल गा रे कोमल गा ही यूज होगा। सारे गा रे सारे रे गरे सानी धनी धपा। ठीक है, जियो की ये पहली तारीख है। ठीक है, ये थोड़ा क्विकली बजाना पड़ेगा। उसके बाद वही पार्ट आ जाता है जो थोड़ा जो पहले मुखड़े में जो डिफिकल्ट पार्ट था, जो कि तार सप्तक में बजाना था। उसके बाद लास्ट पार्ट है, पूरा जो लास्ट नोट लगा है वो पूरा हाई में लगा है, जैसे कि तो ये जो नाम की कोई धड़क है ना, जो वो वाला पूरा हाई नोट लगा है लास्ट में, जो जस्ट उसके आप अगर गाना सुने हैं तो उसके गाना में लास्ट में वो ऐसा हाई नोट लगाता है, तो वो कैसे बजाएंगे? तेरे नाम की कोई धड़क है ना, सारे गा मा तीव्र मा सारे गा सारे कोमल गा मा पा पा, मतलब वो तार सप्तक वाला पा जो कि है, तो इसके लिए आपको पूरा तार सप्तक का रियाज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा और कंफर्टेबल होना पड़ेगा, नहीं तो वॉइस फटेगा और वो अच्छा नहीं सुनाई देगा, फिर आप बोलेंगे तार सप्तक में बजा नहीं पा रहा हूँ मैं, ये सब वो सब वो बहुत सारा चीज़ हो जाता है। तो पहले आप कंफर्टेबल हो जाइए तार सप्तक में, फिर आप ये सब ये गाना चूज़ कर सकते हैं बेसिकली। तो लास्ट पार्ट जो है वो पा सारे गा मा पा पा मारे सारे गा मा पा मा, यहाँ पे तीव्र मा, रे रे मा पा मा तीव्र मा, सारे गा मा पा पा रे रे, जब कर रहा हूं मैं तीव्र मा से रे का मीड ले रहा हूं, रे रे मा पा। तो यहाँ पे पूरा सॉन्ग फिनिश होता है। तो ये था धड़क का टाइटल ट्रैक जो कि फ्लूट में बजा सकते हैं। ट्यूटोरियल देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।
और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं उसके। तो फिर से धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे।